है दोस्तों, आज के दिल में कुछ और आता है, वक्त को रोकने को जी चाहता है, वक्त को रोकने को जी चाहता है। गुड मॉर्निंग सभी को। आज हमारा HPURC में हिस्ट्री डिपार्टमेंट का लास्ट दिन है और इसी खुशी में आज हमें फेयरवेल दी जा रही है और अभी चलते हैं फेयरवेल के लिए। और धूप बड़ी ज़्यादा है, देखो मैं छाता लेकर रखा हुआ है। चल देखो इधर, देखो ए नीतिका, देख हो गया। अपने बारे में कुछ अच्छा लगता है जो हमारे किसी को हेल्प हो जाएगी। हॉबीज अपनी म्यूजिक, तो जो कुछ शब्द मैं इनके उसे अपना फेवरेट गाना अगर आप गाना चाहो तो गा सकते हो, मैं भी सुनना चाहूँगा। सुनना चाह रहे कि ऑडियंस
क्योंकि तो क्या हुआ, हम तैयार हैं, मैं भी बाथरूम सिंगर हूँ। तो क्यों हुआ, चंद लाइनें, आज आपका दिन है। एंड वी होप दैट यू विल एंजॉय इट। देखते हैं इनके लक में क्या आता है। और अगर टास्क करने में फेल हो जाए तो पनिशमेंट मिलेगा। टास्क को जोर से पढ़िए। अपनी पसंद की शायरी, अपनी पसंद की शायरी। सिवा कुछ नहीं आता। जिंदगी जीने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, जिंदगी जीने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक तुझे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। तो जोरदार तालियां चाहिए इंतजार आने के लिए। प्रीति का इंट्रोडक्शन कौन कौन सुनना चाहता है? चंबा बकानी, गांव का नाम धरवेटा, डाकर बकानी, पोस्ट ऑफिस सारा कुछ वही है, पिन कोड 17311। और कुछ? और बहुत है, सिंगल हूँ। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, और सिंगल हूँ। पर बंदों को लगता कि मैं पता नहीं कितने के साथ चक्कर चलाते हैं, पर उनको क्या पता, सिंगल ही हूँ। छोटन भाई, आपकी भावनाएं व्यक्त हो रही है। ऐसे अंदर से दिख नहीं रहा, कैसे निकल रही है? नहीं, आपके पास मौका है, वैसे कुछ करना चाहो, किसी जूनियर को बुलाना चाहो स्टेज पे। दो साल में क्या उखाड़ लिया, अब लास्ट दिन में क्या बात कर लूंगा मैं। लास्ट दिन में भी बहुत कुछ हो सकता है, अगर करने वाला हो तो हो सकता है। ऐसे करने वाला नहीं बोलो पुरुषोत्तम भाई, आपने करने वाली बोलो। चलो ठीक है, बाकी पता है आपको सारे को मेरे बारे में ना, फिर ज्यादा जो बताना था बता दिया, नाम मेरा सारे जानते हैं। बाकी अगर कुछ और पूछना होगा तो मेरा नंबर है, तो ले लेना वो। किसी को पुरुषोत्तम के साथ डांस तो नहीं करना, कोई रेडी है? या पुरुषोत्तम अगर कोई इच्छा है किसी लड़की की तो आ सकता है वो स्टेज पे, कोई भी नहीं। नहीं, मैं एक का पर्स, मतलब एक पर्टिकुलर एक का नाम लूंगा, जो भी अपनी इच्छा से नाचना चाहेगा। सीनियर्स में आ जाए कोई आज, क्योंकि काफी प्रीटी लग रही है। एकदम हॉट कातिलाना। तो अपना एकदम से मनाया ही नहीं। थैंक यू सो मच जूनियर। एक गाना गाता तो मैं कभी गाना गाती नहीं हूँ, मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है, मैंने कभी गाया ही नहीं। शिवानी का पनिशमेंट है मुन्नी बदनाम सॉन्ग पर डांस।
Sapna, you look very beautiful today. Apna introduction. Hello everyone, my name is Tamanna aur main Dharamshala se belong karti hu. Ya bas agar kuch batana chahiye apne bare mein ho या कुछ करना चाहिए, आज आपका टाइम है, कोई गाना गाना चाहिए या कुछ किसी जगह डांस करना चाहिए? राहुल, मेरी आवाज़ आपकी जैसी है। अरे इतनी इतनी तारीफ, फिर भी अगर गाना चाहे तो गा सकते हैं, तो ठीक है। फिर तो आपके लिए एक शायरी है, तो मैं अर्ज करना चाहूँ, ये जान जरूरी है जी की जिंदगी के लिए, जान जरूरी है जीने के लिए, अरमान जरूरी है। चाहे हमारे पास दिन भले ही कम हो, चाहे हमारे पास दिन भले ही कम हो, लेकिन यहाँ बैठे सभी लोगों के चेहरों पर मुस्कान जरूरी है। तो जोरदार तालियां तमन्ना जी के लिए। मॉडल्स की तरह वॉक करनी है, बिल्कुल एकदम एप्ट टास्क। थोड़ा रैंप वॉक ही सा सॉन्ग लगाया जाए। पूजा दी के लिए मेरे तरफ से एक शेर, कि खूबसूरती बिखेर देने वालों को क्या जरूरत है सवरने की, खूबसूरती बिखेर देने वालों को क्या जरूरत है सवरने की, वो तो खुद कयामत है, उसे क्या जरूरत है तारीफों की। सभी को नमस्कार। सबसे पहले इस भव्य समारोह के लिए सभी जूनियर्स का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। कुछ पंक्तियां आपके लिए कहना चाहूंगा, कि हर सितारा चांद के करीब नहीं होता, हर सितारा चांद के करीब नहीं होता, दिल की दौलत वाला कभी करीब नहीं होता। जूनियर साहब जैसे मिले सबको, ऐसा मुकद्दर से हर किसी का नसीब नहीं होता। काफी प्यारे लग रहे हो आज आप,
नाम तो हम आपका जानते हैं, आप कुछ और बताएं। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम आकांक्षा है, मैं टंग से हूँ और मेरा टैग नंबर है 24। तो टास्क दिए गए हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो अभी कह सकते हैं आप। आ जाइए स्टेज पर। किसी को जानना है कुछ? दिल में जो कुछ अरमान हो आज पूरे हो सकते हैं, जैसे कि किसी के साथ डांस गाना कुछ भी, जो आपकी इच्छा है वो करना चाहो आप तो कर सकते हो आज। ऐसा कुछ नहीं है तो टास्क दे दिया जाए। ओके, आए हाय, टैग नंबर 13 देखिए। प्रीति जी आइए मंच पे, आ जाए आप भी, आपके लिए शायरी है तो पनिशमेंट के लिए फिर तैयार रहना पड़ेगा। बैठ जा। अच्छा, उल्टा रोमांटिक सा गाना लगाया गया है कोई? यार मेरे को नहीं आता करना यार। सभी को जय श्री राम। मेरा नाम आशीष कपूर है, मैं बोलता जिला चंबा ढोजी का निवासी हूँ। संपर्क आज काफी आज काफी प्यारे लग रहे हो भैया, तो चंद लाएंगे अगर सुनाने का होगा। ओके, तो टास्क दिए जाए पहाड़ी सॉन्ग पे डांस राखी दी के। तो टास्क दे दे, बहुत ही अच्छा डांस, तालियां हो जाए एक बार डांस के लिए। टास्क को जोर से पढ़ के बताइए सबको। अपनी लाइफ का सबसे फनी मोमेंट। लाइफ का सबसे फनी मोमेंट कितनी क्लास का भी बता सकते हो? मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो बैंक में गई थी एक बार हम लोग, मैं और मेरी फ्रेंड, तो वहाँ पे अंकल आए तो उनके अकाउंट में 1-2 लाख इतने पैसे थे और हमारी थिंकिंग यही है हजारों में ही होंगे जितने हमारे में होते हैं। तो वो बोलते कि बेटा पढ़ना इसमें कितने पैसे हैं, तो मैंने कहा अंकल
कॉलेज में, बोले ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। आपके पास दी अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम ज्योति है और मैं कांगड़ा की रहने वाली हूँ। All the best. जोर से पढ़ के एक बार। पता नहीं लगा कि यहाँ से यहाँ तक का सफर कितना जल्दी बीत गया। और स्पेशल थैंक्स टू माय जूनियर्स कि आपने इतना अच्छा जो है ऑर्गेनाइजेशन किया, थैंक यू वेरी मच। और कैसा रहा आपका दो साल हमीरपुर से आप तो धर्मशाला का एक्सपीरियंस कैसा रहा? स्टार्टिंग में तो बड़ा कष्ट था, कोई नोन नहीं था, बट अब लगता है कि नोन बना के कोई फायदा नहीं होता। ऐसा है अपना बाकी वैसे ही You look very beautiful today. मेरा नाम प्रियंका है और मैं कांगड़ा से हूँ। बस इतना? और कुछ सॉन्ग डांस हॉबीज आपके? हाँ कोई बात नहीं, मेरा नाम प्रियंका है और मैं कांगड़ा से पार्टी में आने से पहले
पहले मैं सुबह इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रही थी और एक मीम आया जिसमें लिखा हुआ था कि हर एक लड़के की तमन्ना होती है अपने क्रश को ब्लैक साड़ी में देखे। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, मेरा नाम इंदु है और मैं चंबा भरोह की रहने वाली हूँ और मेरा टैग नंबर 20 है और मेरी हॉबी है कोरियन ड्रामा। करना पड़ेगा अब आपको कोरियन ड्रामा। फेवरेट ड्रामा कौन सा कोरियन बोल लेते हैं? देखे तो मैंने पढ़े हैं आवर सीक्रेट। आवर सीक्रेट नाइस। अच्छा तो कोरियन गुड। चलो BTS का कोई भी सॉन्ग कौन सा? फेक लव, फेक लव लगा दो। हेलो आवाज आ रही है? मुझे क्या बोलना है आज है? लॉ डिपार्टमेंट के मेरे अच्छे दोस्त डॉक्टर सनी जी और प्रेम के बच्चे। अब अगर किसी की कोई भड़ास है, अगर कोई कहना चाहता है तो कैसे उनको तो शांत रहे। सर दो साल में सबसे ज्यादा आप किस से तंग हुए हमारी क्लास में? दो साल में हमारी क्लास में सबसे ज्यादा गिले शिकवे किस स्टूडेंट के साथ रहा? सर ने बोला सच बोला। मुझे जो आप कह रहे हैं कि मैं क्लास से किससे ज्यादा तंग हुआ, मैं तंग नहीं हुआ और किया आप लोगों को ऐसे ऐसे होता है क्योंकि मुझे जब स्टार्टिंग में क्लास थी आप लोगों की जो अभी जा रहे हैं, आप लोगों के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके अंदर जो हुनर है वो हुनर शायद मुझे लगता है कि जितना मैंने करीब से देखा होगा वो शायद अन्य टीचरों ने नहीं देखा। और मैंने हर स्टूडेंट के मुका हन्ये जलता शबरम श्रीये जलता
लिखना तो पड़ता ही है। तो आज ये कविता जो मैंने अपने सीनियर्स के लिए लिखी थी, तो ज़्यादा इमोशनल नहीं करना चाहूँगा आप लोगों को। तो अगर कोई हो जाए इमोशनल तो उसके लिए सॉरी। ना जाने दोस्तों आज क्यों दिल में कुछ और आता है, वक्त को रोकने को जी चाहता है, वक्त को रोकने को जी चाहता है, आज वक्त को रोकने को जी चाहता है। ना जाने कि कुछ हो जाने को जी चाहता है। बच्चे बनकर ही तो आए थे हम सब इस दुनिया में। कितने पराए थे हम सब एक दूसरे से, हम सब कॉलेज के कुछ दिनों में हम सब एक हो गए। इन दो सालों से पहले एक सब शुरुआत हो गई। याद आएगी हमारी आपको और आपके बेस्टी से बिछड़ जाने का जो गम है, वो रात को देर से सोने का और सुबह की पहली क्लास उन पर हंसी आती है। ना जाने उन पलों की याद खूब सताती है। बड़ा मुश्किल से ये दो साल सह गया, आज लगता है ना जाने कुछ पीछे रह गया। कहीं अनकहीं कई हजारों बातें रह गई, ना बोलने वाली ना सुनने वाली कुछ यादें रह गई। अब सर की क्लास पर डांट कौन खाएगा और सर की क्लास में अब मस्ती कौन करेगा। पर ना इतना कहूंगा अंत में, सबको अच्छी याद लेकर यहाँ से जाना है। आप सारे सीनियर्स खुश रहे, हम सभी जूनियर्स का यही इरादा है और दुआ है। और अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा, ना जाने दोस्तों आज के दिल में कुछ और आता है, वक्त को रोकने को जी चाहता है, वक्त को रोकने को जी चाहता है। Oh, yeah.
जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे कर दो अभी फोन से।